चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स, वाह व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ रिजल्ट। देखिए, जो विजय दत्त रोक सकता था आरसीबी का, वो केवल चेन्नई टीम ही थी, और चेन्नई की टीम ने ही इसको विजय दत्त को रोका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरसीबी वह फॉर्म में चल रही थी, और बहुत अच्छा रहा मुझे इस मैच को देखते हुए, क्योंकि इस मैच को हम दो तीन फेस में देखेंगे। पहला फेस तो ये था जब 19 ओवर हुए थे, रन 154 रन के सीएसके के, और विकेट 3-4, यानी 4 विकेट 3 या 5 विकेट 3 अब 19 ओवर में। लेकिन लास्ट ओवर में जो रन आए 37 रन, उससे मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया, और लगने लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते आगे मैच। अब देखिए, टारगेट मिला 192 का। हम बात करेंगे जडेजा के बारे में, लेकिन अभी उससे पहले मैं आपको बता दूं शिफ्ट कैसे हुआ। मोमेंटम 192 रन आपको बनाने थे, उसमें 3 ओवर में 44 रन थे आरसीबी के, तब ऐसा लगने लग गया था कि शायद आरसीबी इस मैच को जीत जाएगी आसानी से। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का गलत शॉट, इसके बाद पर्टिकल की वो शॉट बॉल और आउट हो गए, उस पर रैना को कैच दिए बैठे। इसके बाद बॉसिंग सुंदर की विकेट, और फिर डिविलियर्स का ना चलना या फिर मैक्सवेल का ना चलना, ये एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो गया आरसीबी को, और इस तरीके से मैच जो है अपना पहला मैच हार चुकी है इस सीज़न का, और बहुत बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए। लेकिन मैं अच्छा लगा मुझे कि आरसीबी ने थोड़ा अप्रोच दिखाया अपना, कि शुरुआत में वो तेज़ खेल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज तारीफ़ करनी ही पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स की, और रविंद्र जडेजा की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उनका कैच छोड़ा था बॉसिंग सुंदर की बॉल पर क्रिश्चियन ने, जब वो 5 बॉल में 1 रन बना खेल रहे थे, शायद 1 भी रन नहीं बना खेल रहे थे, 4 बॉल में 0 बना खेल रहे थे, 5वीं बॉल पर वो कैच था वो, और बाउंड्री पर था वो, आउट हो सकते थे। आपने कैच छोड़ा, आपने कैच छोड़ने के बजाय आपने मैच ही छोड़ दिया, क्योंकि रन इतने बना दिए आपने, 28 बॉल में 62 रन बनाए, 5 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए उन्होंने, क्या काबिले तारीफ बैटिंग करी उन्होंने। आप देखें तो डीप मिडविकेट की तरफ से वो छक्के छक्के मार रहे थे वो हर बार, और फुल टॉस डाली हार्दिक पटेल ने, 30वीं बॉल पर 6 मार दिया उन्होंने, भी नो बॉल हो गई, फिर एक और 6 मार दिया उन्होंने। तो बल्लेबाजी, अद्भुत बल्लेबाजी जडेजा के द्वारा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। देखिए, अब एक हर्षल पटेल को हम बात करते हैं, हर्षल पटेल की, देखिए हर्षल पटेल ने पर्पल कैप उनके हाथ में है अभी भी, 3 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए और विकेट लिए 3 जी, ये जबकि बात है जब 19 ओवर हुए थे एक टाइम पर उनके, जब सीएसके की इनिंग के, लेकिन लास्ट ओवर से पहले उनको शायद पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से बात होगी। देखिए आज के जो वीडियो है, मैं आज ज़्यादातर जडेजा और हर्षल पटेल की बात इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो लास्ट ओवर में वो बहुत ही ज़्यादा कर्रा हो गया है, क्योंकि हमने 6 बॉल में 25 रन बनते हुए देखे हैं, 30 रन बनते हुए देखे हैं, लेकिन अब तो बहुत सालों से 37 रन तो नहीं बने थे कभी, क्योंकि 37 रन बनने का मौका ही नहीं मिला। जिस तरीके से बॉलिंग हुई है आज, बहुत ही बेकार बॉलिंग हुई है शायद हर्षल पटेल द्वारा, क्योंकि हर्षल पटेल इतने पिटे नहीं थे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हर्षल पटेल इतना पिटे नहीं थे, लेकिन एक छक्का खाने के बाद उनको जो है लाइन और लेंथ बिगड़ गई उनकी, और जडेजा जो है बिल्कुल क्रीज में अंदर खेल रहे थे, जिससे कि यॉर्कर कराने मुश्किल हो रही थी, और स्लो बॉल डाल रहे थे, स्लो बॉल को पिक कर रहे थे वो आराम से, और इस वजह से जडेजा का जो तूफान आया वो बहुत तगड़ा आया, और जडेजा ने तूफान ने ही आरसीबी को उड़ा दिया, और इसी तूफान की वजह से यहाँ मैच जो है वो आरसीबी तरफ से निकल गया। और देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, देखिए मैक्सवेल को आउट किया जडेजा ने, इसके बॉसिंग सुंदर को भी आउट किया जडेजा ने, तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई जडेजा ने, और जो जब से बड़ी विकेट थी वो थी मैक्सवेल की, क्योंकि मैक्सवेल जो इनफॉर्म बैट्समैन थे, और वो अगर आउट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है आरसीबी की। अब देखिए आरसीबी हम कहते तो हैं कि बल्लेबाजी उसकी बहुत मजबूत है, ये है वो है, लेकिन जब शुरुआत में विकेट गिर जाती है ना, तो वो मैच जो है वो आप खिसक जाता है आपके हाथ में से। यही हुआ आज के मुकाबले में, और देखिए आज के मुकाबले को हारे जरूर हैं, लेकिन आपको वहाँ से उठना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि 9 में से 7 मैच जीत लिए थे आपने, 10 में से 7 मैच जीत लिए थे, लेकिन आपको लास्ट के 5 मैच हारे लगातार। उस तरीके से अब नहीं करना है आरसीबी को, अब यहाँ से उठना है, और यहाँ उठना है, 1-2 मैच और जीत लेते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे टॉप 4 में जाने के लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मैं आपको बताया आरसीबी वर्सेस सीएसके वाले मुकाबले के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक एंड जय हिंद।